बिहार के आरा में भाकपा माले सांसद सुदामा प्रसाद ने बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये लोग लाज शर्म सब घोल कर पी गए हैं, रस्सी जल गई लेकिन इनकी ऐठन नहीं जा रही है। आज जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, अभी इनको बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए यात्रा करनी चाहिए थी। शराब से जो मरे हुए लोगों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए यात्रा निकालनी चाहिए थी, लेकिन ताज्जुब है कि रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं जा रही है, इसलिए जनता ने इन्हें खारिज कर दिया है। 63 सीट कम किए, जिसकी वजह से अब इनकी बैसाखी के सहारे इनको चलना पड़ रहा है। जो है भारतीय जनता पार्टी लाज शर्म घोर करके पी गई है। अभी उनको बाढ़ पीड़ितों के मदद के लिए यात्रा करना चाहिए था। शराब से जो मरे हुए लोगों के कहा जाए कि मैंने प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए उन्हें यात्रा निकालना चाहिए था, लेकिन ये ताजुब है कि ये भी रस्सी जल गई है, ऐठन नहीं जा रहा है। यानी देश की जनता ने इनको खारिज किया, 63 सीट कम किया और बैसाखी के सहारे इनको चलना पड़ रहा है, नायडू जी और नीतीश जी के बैसाखी के सहारे। लेकिन कहावत है कि रस्सी जल गई ऐठन नहीं जा रहा है, तो ऐठन बरकरार है और अगले साल और इस उपचुनाव में भी बिहार की जनता उनके ऐठन को ठीक कर देगी। ये हर हमेशा गाय गेरू हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान पाकिस्तान हैं, मैंने क्या है भाई मंदिर मस्जिद, यही एजेंडा है। आप रोजगार पर बात कीजिए ना, 2 करोड़ रोजगार आपने क्यों नहीं दिया हर साल, 20 करोड़ रोजगार देना चाहिए था। इस सवाल पर आते आप आते ही सवाल पर कि आपने 15 लाख रुपया क्यों नहीं भेजा हर किसी के खाते में, महंगाई दूर क्यों नहीं किया, क्यों जो है बेरोजगार जो है भारत।